सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शिखर चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं आपके सामने और एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक 7 इंची LED मोनिटर को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा और रिव्यू करके दिखाऊँगा। जी हाँ, ये 7 इंची LED मोनिटर है जिसको आप कार पे लगा सकते हैं। अपने कार के जो सामने जो मिरर होता है उस मिरर के बदले में इस मॉनिटर को लगा के आप पीछे कैमरा लगा के आप पीछे का व्यू देख सकते हैं और इस मॉनिटर को आप टीवी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस मॉनिटर पे आप प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी के प्रोग्राम भी देख सकते हैं, सेट टॉप बॉक्स भी चला सकते हैं और पेन ड्राइव लगा के यानी कि SD कार्ड लगा के आप SD कार्ड के रिकॉर्डेड प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस मॉनिटर को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ रिव्यू भी कर लेते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे जो पैकेट देख रहे हैं ये अमेज़न से ख़रीदा हुआ एक HD LED मॉनिटर है 7 इंच का और ये कार मिरर भी इसको कहते हैं, कार मॉनिटर भी इसको कहते हैं, जिसके ज़रिए किसी भी कार पे अगर आप इसको सेट करते हैं तो बैक का जो व्यू है कैमरे के ज़रिए आप स्क्रीन पे देख पाएंगे इस मॉनिटर के स्क्रीन पे। और इसको हम अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और इस मॉनिटर के ज़रिए आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। पेन ड्राइव के ज़रिए अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आप सेटेलाइट के ज़रिए आप TV भी देख सकते हैं यानी कि सेट बॉक्स के ज़रिए। देखिए, इसको मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ तो बॉक्स को खोलने के बाद इस तरह से आपको एक यूज़र मैनुअल दिखाई देगा। ये यूज़र मैनुअल इसको हम साइड में रख देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन यूज़र मैनुअल पे है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह का पैकिंग है और उसके बाद मॉनिटर आएगा इस तरीके का। ये जो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसी तरीके का मोबाइल स्क्रीन है। और देखिए, ये बिल्कुल जो कार पे जो एक मिरर लगा हुआ होता है ऊपर में ड्राइवर के पास, उसी तरीके का एक मिरर की जैसा ही मॉडल है ये इस मॉनिटर का। देखिए, ये 7 इंच का मॉनिटर है। देखिए इस पर क्या क्या फीचर्स हैं, मैं आपको टोटल दिखाऊंगा। और ये देखिए एक वायर है, ये एक वायर है, इस वायर के ज़रिए ही सप्लाई जाएगा और वीडियो कनेक्शन भी जाएगा। टोटल मैं आपको दिखाऊँगा, A to Z कनेक्ट करके भी दिखाऊँगा और किस तरह से इसको चलाना है, कनेक्शन देना है, टोटल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो स्क्रीन है टोटल ये एक मिरर की तरह ही दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे USB कनेक्शन है, USB के ज़रिए आप SD कार्ड के ज़रिए USB के ज़रिए लगा सकते हैं। देखिए पेन ड्राइव लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक SD कार्ड लगाने का, माइक्रो SD लगाने का एक पिन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप माइक्रो SD को भी लगा सकते हैं और यहाँ पे देखिए एक माइक्रोफोन भी दिया गया है। आप इस मॉनिटर के फ्रंट में फॉलो कीजिए, यहाँ पे लिखा गया है MP5 प्लेयर है, फुल HD LED मॉनिटर है, लेकिन यहाँ पे कोई HDMI का जो पोर्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। कितना HD है वो भी हम आपको दिखाएंगे जब मैं इस मॉनिटर को चलाऊंगा। और इसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के ज़रिए हम किसी दूसरे डिवाइस पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसका जो ऑपरेशनल कीपैड है वो टास्किन कीपैड है। उसके बाद देखिए ये पैकिंग, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद देखिए ये कंपोनेंट्स है इस मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। सबसे पहले देखिए ये कैमरा है, जी हाँ ये कैमरा है और इसका सप्लाई है। कैमरा में दो कनेक्टर आप देख रहे हैं, एक येलो कलर और एक रेड कलर। देखिए LED लगा हुआ है यहाँ पे,
नाइट विजन है, नाइट में भी आपको दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे एक वीडियो एक्सटेंशन कॉर्ड है, जी हाँ, इसके ज़रिए आप बहुत दूर तक कैमरे को ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा एक एक्सटेंशन कॉर्ड दिया गया है इस पैकेट में, वीडियो एक्सटेंशन कॉर्ड, तो इसको भी कनेक्ट करके कैमरे दूर में रखकर भी आप जो व्यू है उस कैमरा का जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक वायर देखे दिया गया है सॉकेट। देखिए ये, इसको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से सेट करना है। यहाँ पे वीडियो कनेक्शन है, यहाँ से ही जो कैमरा का कनेक्शन है और यहाँ से ही पावर सप्लाई सब इस कॉर्ड से ही जाता है। ये देखिए जो दो येलो कलर है, ये दो वीडियो है, वीडियो वन और वीडियो टू, और रेड कलर प्लस 12 वोल्ट है, ब्लैक कलर ग्राउंड है, और ग्रीन कलर का जो वायर है वो मीडियर व्यू के लिए है, हॉरिजॉन्टली पिक्चर को चेंज करने के लिए। और ये देखिए ये कैमरे के जो पावर सप्लाई है उसको आप बैटरी से डायरेक्ट देख दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये रिमोट कंट्रोल है, इस मॉनिटर के रिमोट कंट्रोल इस तरह का है। देखिए ये पावर बटन है और सारे बटन है यहाँ पे, तो इसको भी हम आपको दिखाएंगे जब मैं मॉनिटर को ऑन करूँगा, कनेक्ट करूँगा, तो इसका फंक्शन हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल इसको हम रख देते हैं। और देखिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पाउच भी दिया गया है। और उसके बाद देखिए ये एक माउंटिंग के लिए एक प्रोडक्ट दिया गया है, देखिए होल सॉ इसका नाम है, और इसके ज़रिए आप होल करके एलईडी को माउंट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए ये इस प्रोडक्ट को दिया गया है, कहीं पे भी होल करके आप एलईडी को माउंट कर सकते हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और टोटल यही कंपोनेंट है, टोटल दिया गया है। अब मैं आपको जो मॉनिटर का जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन करना है। देखिए इसको मैं रख देता हूँ जैसा है रख देता हूँ। और उसके बाद जो कनेक्शन का जो वायर है उससे कैसे कनेक्ट करना है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये कॉर्ड है, टोटल कॉम्बिनेशन का कॉर्ड है, ये जो कैमरा का पावर सप्लाई है, और ये देखिए कैमरा का पावर सप्लाई रेड में वो 12 वोल्ट पावर जाएगा, और जो येलो कलर का जो आप पिन देख रहे हैं उस पे वीडियो जाएगा, और मॉनिटर पे जो वीडियो है येलो कलर का उसके साथ कनेक्ट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब कनेक्शन इस पे मैं करूंगा टोटल फिटिंग्स। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये जो वायर है, देखिए एक स्पीकर भी लगा हुआ है नीचे, पीछे देख रहा है एक स्पीकर है। प्रोग्राम जब चलेंगे तो स्पीकर पे आवाज़ भी होगा। ये देखिए यहाँ से ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को कनेक्ट करना है उस ये इस कनेक्टर के साथ। देखिए इस सॉकेट के साथ इस कनेक्टर को कनेक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है। ये देखिए एक मार्क दिया हुआ है, इस मार्क को सेट करके कनेक्टर को कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे भी ये मार्क है, तो दो मार्क को मिला के इसको कनेक्ट करना होगा। देखिए ये कनेक्ट इस तरह से मिला के कनेक्ट इस पर हो जाएगा, तो यही कनेक्शन है। और उसके बाद पावर सप्लाई देना है, 12 वोल्ट पावर सप्लाई इस पर देना है। देखिए ये वीडियो कनेक्शन है, ए वी वन और ए वी टू, दो ए वी है। और उसके बाद देखिए रेड कलर जो है वो सप्लाई 12 वोल्ट है, और ब्लैक कलर माइनस है, यानी कि सप्लाई है। और जो ग्रीन कलर का वायर आप देख रहे थे वो कैमरा का जो मिरर है, मिरर को चेंज करने के लिए। तो यही टोटल कनेक्शन है। तो इस मॉनिटर का अनबॉक्सिंग आप अब तक देख रहे थे। अगले वीडियो में मैं आपको इस मॉनिटर को पावर देके इसका ऑपरेशन दिखाऊंगा, और मेनू में क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से इसको ऑन करना है, टोटल फंक्शन दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में
जो भी कंटेंट दिखाया गया है वो कंटेंट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस मॉनिटर के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी लिख भेजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।